रामनगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष व मणिराम दास छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास के स्थान पर निवास कर रहे 48 वर्षीय संत हरिभजन ने आत्महत्या कर लिया। आनन फानन में स्थान के संतों ने उन्हें जिला अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। मामला अयोध्या कोतवाली क्षेत्र स्थित मणिराम दास छावनी मंदिर में पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से निवास कर रहे संत हरिभजन दास आज सुबह अपने कमरे पर चाकू से अपना गला रेत दिया, जिसकी सूचना खुद जाकर नजदीकी मेडिकल पर दी। इसके बाद आनंद फानन में स्थान के संतों को मिली जानकारी के बाद अयोध्या के श्रीराम हॉस्पिटल ले गए, छावनी जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आत्महत्या के पीछे का कारण गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर के मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण के दौरान स्थान समाप्त होने से काफी परेशानी बताई जा रही है। वहीं पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। वहीं महंत कमल नयन दास ने बताया कि यह बहुत दिनों से यहां पर सेवा करता रहा है और कुछ समय पहले गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास एक छोटा सा स्थान बनाया था। वह सड़क के चौड़ीकरण में चला गया, जिसके कारण वह काफी टेंशन में रहता था। आज पता चला कि साधु ने अपने ही चाकू से आत्महत्या कर लिया। मणिराम दास छावनी के संत दीपक ने बताया कि मणिराम दास छावनी के आवास पर हरिभजन दास रहते थे। इस घटना की जानकारी मिलते ही उनके कमरे पर पहुंचे और उन्हें आनंद फानन में श्रीराम अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद वहां के डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कुछ देर बाद उनके निधन हो गया। उन्हें बताया गया कि कुछ दिनों से मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहते थे और यह निजी कमरे में रहते थे। आज किसी तरीके से कमरे को खुलवाया गया और उस हालत में भी कमरे को खोल दिया। हम जब पहुंचे हैं, हमको बुलाया गया था, हम लोग गए कुछ लोग, फिर इनको हालत देखे गंभीर तो हम लोग श्रीराम अस्पताल ले आए। श्रीराम अस्पताल से हो गया कि जिला अस्पताल ले जाइए, हम लोग जिला अस्पताल लेकर आए। जिला अस्पताल में भी डॉक्टर साहब तुरंत लगे, सारी व्यवस्था किए बेचारे, लगभग 10-15 मिनट तक वो सेवा किए, उसके बाद उनका प्राण छूट गया। क्या कारण अभी तक सामने? कारण भी हम लोग को कोई जानकारी नहीं, ये जानकारी हम लोग को है कि थोड़ा दिमाग से डिस्टर्ब रहते थे बीच में, ये निजी कमरे में रहते थे। क्या बात हुआ नहीं बात हुआ, कोई कमरे में थे नहीं, इनका कमरा खुलवाया गया, उस हालत में भी ये रूम को खोल दिए, ये जानकारी। क्या नाम है इनका, वे कहां पर रहते थे? इनका नाम है हरिभजन दास, रहते मणिराम छावनी में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है दीपक। साधु हमारा बहुत पुराना है, बहुत दिनों से यहाँ सेवा करता रहा। कुछ समय से गुजरात सोमनाथ मंदिर के पास उसने एक छोटा सा स्थान बनाया था, स्थान वो रोड में चला गया। रोड में जाने के बाद वो यहाँ चला आया, टेंशन में रहता था और काफ़ी टेंशन में रहता था वो। और आज करीब 9 बजे हमें पता लगा कि साधु ने अपने ही चाकू मार लिया। बस इतनी सी बात है। साधु हमारे यहाँ का है, हमारा गुरु भाई है, बहुत पुराना साधु है, नया नहीं पुराना साधु है। कब से रह रहे हैं यहाँ पे साधु? तो हमें लगता है 25-30 वर्ष से कम का नहीं, पुराना साधु है। क्या नाम है महाराज जी? हरिभजन दास। अरे गुजरात में कहाँ बनाया था? सोमनाथ के पास में बनाया था, वहीं रहता। रोड में चली गई? हाँ वो जमीन रोड में सब चली गई। सर मतलब जो घटना क्या, किस तरह की घटना है जो क्या इसका? ये आज दिनांक 13/2/2021 को लगभग उपेंद्र मोबाइल फोन आ रहा है, यहाँ के छोटी छावनी मंदिर की तरफ से पुलिस को सूचना दी गई। एक हमारे मान जी रहते थे, वो ताला बंद है और ताला खुल नहीं रहा है। उन लोगों द्वारा ताला खोला गया, ताला खुलने के उपरांत जो है श्री हरिभजन दास जी जो लगभग इस रूम में 10-12 वर्षों से रह रहे थे, और उन्होंने अपने ही घर में जो यूज़ करने वाली सब्जी बनाने वाली जो चाकू था उसे अपने गला रेत दिए हैं। और रेतने के बाद एक बगल में कृष्णा मेडिकल स्टोर पर जाकर उन्होंने बताया भी कि मैं ये अपना स्वयं अपने हाथ से गला रेता हूँ, और उन लोगों के द्वारा जो है यहाँ से रेफर जिला अस्पताल ले गया है, जहाँ पर उन्होंने डॉक्टर ने उन लोगों को उनको मृत घोषित कर दिया है। इस संबंध में मौके पर हमारी कोतवाली योद्धा माई फोर्स के साथ 35 अगर छानबीन की गई है, जिसकी गहनता से और छानबीन की जा रही है। शेष जो रिपोर्ट आएगी आपको अवगत करा दिया जाएगा। किन कारणों से इन्होंने गला रेता है? ये डिप्रेशन में रहा करते थे। अभी जो रूम के अंदर आप लोगों ने भी देखा कि कुछ बीड़ी के टुकड़े आदि भी पाए हुए हैं, और ये डिप्रेशन में भी पहले से भी थे और डिप्रेशन में रहा करते थे।
डिप्रेशन का कोई कारण नहीं है अभी? अभी डिप्रेशन का कोई कारण अभी पता नहीं चला है, इसकी जांच की जा रही है। लगभग क्या उम्र है? उम्र लगभग 60 वर्ष है, 60 वर्ष उम्र। अभी ये भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, काफी दिनों से यहाँ रह रहे थे, लगभग 15 साल से यहाँ रह रहे हैं, 12 से 15 साल के बीच में यहाँ रह रहे थे। इसकी अभी जांच की जाएगी, जैसा होगा आप होगा। किस मंदिर में पूजा, कोई मंदिर में पूजा पाठ भी करते थे? बस इसी छोटी छावनी के मंदिर में एक हॉस्टल में रहते थे, पूजा पाठ जैसे दैनिक रूप में करते थे, अपने घर में भी करते थे, अंदर मंदिर में जाया करते थे, भोजन वगैरह वहीं ग्रहण करते थे। लेकिन अपनी फल सब्जी छोटा यूज करने के लिए एक छोटा सा चाकू अंदर रख रखे थे, जिसे उन्होंने अपने गले को। सर महाराज जी का कहना देखिए, अभी इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिली है, जैसे जानकारी प्राप्त होगी आप